हम सीख रहे हैं राग बिलावल। राग को प्रारंभिक आलाप में जितना हम ज्यादा घुमाएंगे उतना ही आगे चल के राग में जो कुछ भी करना है, यानी सरगम गीत और उसका छोटा ख्याल या फिर उसके आगे के आलाप, स्थाई आलाप, अंतरा आलाप, फिर स्थाई की ताने, अंतरे की ताने, ये सब कुछ करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपने केवल और केवल प्रारंभिक आलाप पर ध्यान दिया तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रारंभिक आलाप करने में, अगर कोई इंस्ट्रूमेंटल वाला करता है तो इसको हम आलापचारी कहते हैं, है ना, और गायन वाला करता है तो सिंपल आकार करते कह सकते हो या आलाप कह सकते हो कि राग को आलापना, जिसमें कोई लय नहीं होती है, कोई ताल नहीं होती है, हम सिर्फ स्वरों को अपनी मर्जी से घुमाते रहते हैं। अब उसमें अपनी मर्जी कितनी लगती है कि बनाओ स्वर लड़ियां, स्वरों की संगतियां बना बना के उनको पिरोते रहो मोती की तरह, जैसे आनंद जी ने अभी किया, और यही हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से इसमें घूमते रहो, आलाप में घूमते रहो, ज्यादा से ज्यादा समय आलाप को पैदा करने में लगाओ, बाकी चीजें आसान होती चली जाएंगी। क्योंकि राग में जब हम आलाप बनाने की बात करते हैं, परीक्षा में टीचर्स जो परीक्षक होते हैं वो पूछते हैं कि अपनी मर्जी से कोई आलाप बनाना आता है, खुद से आलाप बना के सुनाइए अभी। तो आलाप बनाना जो लय और ताल में आगे लिखे हुए हैं आपके स्वरांगिनी में, इस स्थाई अंतरा का जो होने के बाद, यानी कि जब हम वो छोटा ख्याल गा लेते हैं तू ही आधार, उसके बाद स्थाई आलाप शुरू होते हैं, वो लय में है, ताल में है, खंडों में लिखे हुए हैं। तो इनको आप खंडों में कैसे लिख सकते हो, बस इतना ही तो समझना है। आपको समझ में आ रहा है कि वो किस मात्रा पे कौन सा अक्षर लिखा गया और कहां से छोड़ करके हमने कहां से शुरू कर दिया, यही तो सब उसमें दिया गया है सिस्टम। अब वो स्वर कहां से आए जो उसमें डाले गए, तू ही आ, इसके बाद से स्वर गाना शुरू कर दिया, फिर से पकड़ लिया तू ही आधार, फिर स्वर गाना शुरू कर दिया, कहीं से भी छोड़ दिया, कहीं से भी पकड़ लिया, यही खेल राग को गाने में किया जाता है। तो इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि केवल और केवल आलाप पर ज्यादा ध्यान दो, राग अपने आप समझ में आने लग जाएगी, ये सेंटेंस मैं सिद्ध करना चाहता हूं। पास में उबड़ खाबड़ जगह पड़ी थी, मैंने सोचा कि इस जगह को प्लान करवा देते हैं। तो मैंने सिर्फ इतना ही सोचा था ना कि मुझे उस जगह को प्लेन करना है, मतलब वो लेवल बराबर हो जाए, कहीं गड्ढा हो रहा है, कहीं पत्थर पड़े हुए हैं, उनको हटा के फेंक देते हैं, जगह साफ हो जाएगी। जगह साफ कर दी तो अपने आप दिमाग में आया कि इसकी खुदाई कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी खुदाई करके फिर से इसको लेवल कर देंगे। तो ट्रैक्टर मंगवा के उस जगह को साफ खुदवा भी दिया। अब खुदवाते खुदवाते ये दिमाग में आया कि अगर इसमें थोड़ी सी खाद डाल दें तो ये कुछ इसमें पैदा भी हो सकता है, तो हमने फिर उसमें खाद भी डाल दी। फिर सोचा पानी की भी जरूरत है, पानी पड़ गया, अब बीज डालने की आवश्यकता है, बीज डाल दिया, फिर उसमें से पौधा उगना शुरू हुआ। हम उसकी देखरेख करने लग गए कि कहीं उस पौधे के आसपास कोई कचरा वचरा तो नहीं आ रहा है, कोई दूसरी घास तो नहीं उग रही, उसको हटा के फेंका। यही तो हमने अभी कहा आपसे राग के विषय में, हमने कहा कि केवल और केवल खुदाई पे ध्यान दो,
जगह को प्लान करना, आपका काम सिर्फ इतना सही है, बाकी विचार अपने आप पैदा होते जाएंगे। जब जमीन लेवल पे होगी तो खुदाई करने का मन करेगा, खुद से खुद ही दिमाग में विचार आएगा कि इसका यूटिलाइज कैसे हो। या तो आप ये खुदाई वाला सिस्टम करोगे वहां, या फिर ये सोचोगे कि इसके ऊपर एक सिंपल झोपड़ी बना देते हैं, या फिर इसको हम एक प्ले ग्राउंड में शक्ल में बदल देते हैं, यानी कुछ तो करोगे ना। अगर आपने जगह को प्लान किया है, अगर आपने उस जगह को साफ सुथरा किया है, तो बिना प्रयोग किए आप नहीं रह पाएंगे, यही फितरत है हमारी। तो अगर आपने राग का आरोह अवरोह पकड़ और उसके स्वरूप का वर्णन आलाप के माध्यम से अगर आपने करना जारी रखा, तो ज्यादा दिनों आप वहां नहीं टिक पाएंगे, वहां से आपको आगे बढ़ना ही है। अपने आप विचार आएगा, उसी को ख्याल कहते हैं, ख्याल गायकी। ख्याल उठने शुरू होंगे और गायकी प्रारंभ होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने सुर लय और ताल में समझा हुआ है सारा कार्यक्रम, सारी विधियां आपको पता है, दुगुन किसको कहते हैं, त्रिगुण में ये सुर लिखे हैं तो कैसे बोलेंगे, ये सारी जानकारी है, उसके बाद क्या करना फिर? उसके बाद तो फिर इतना सही तो करना रहा कि अब आपको दिमाग चलाना है, और दिमाग चलाना नहीं है, चल उठेगा दिमाग अपने आप, चल उठेगा। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए हम कहते हैं केवल और केवल आलापचारी पर ध्यान दो, बाकी सब काम होने लग जाएंगे, लेकिन एक समय आएगा। ठीक है, प्रारंभिक जो आलाप होते हैं उनको करने के लिए हमें राग के अनुसार आगे आगे बढ़ना होता है, और थोड़ा थोड़ा पीछे भी आना होता है। जैसे हम स्वर विस्तार मॉर्निंग रियाज में करते हैं, उस तरह से हमें बढ़ना है। अब सपोज है हमने सा को दिखाना है, पहला राग का उद्देश्य यही होता है, कुछ भी गाने का उद्देश्य यही होता है कि आपको सबसे पहले सा कायम करना है, कि सा कहां पर है और सा की उपस्थिति किस जगह है। उदाहरण के एक देता हूं कि आपसे उस दिन दिया था कि आपसे अगर कोई, आप अगर किसी को कुछ, किसी का पता बता रहे हैं, तो पता बताते समय उधर पहुंचने का रास्ता बाएं दाएं, और फिर वहां पहुंच जाने के बाद उसके बाएं दाएं क्या क्या है, फला बिल्डिंग के पास फला बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जाओगे उसके पीछे की तरफ वो जो दूसरी बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग में ऊपर चढ़ के जो छठे नंबर का कमरा है उसके ऊपर नंबर पड़ा है 201, आपको वहां पहुंचना है, वहां मिलेंगे वो, आप वहां चले जाइए। तो मतलब आपको सिर्फ बताना तो इतना ही था कि आनंद जी कहां है इस समय। अब आनंद जी को ढूंढने का रास्ता हमने बताया कि वहां वहां जाना है। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि सा आपकी बिलावल का सा कौन सा है, तो आप क्या क्या बताओगे कि सा के जस्ट नीचे बगल में निषाद है, और सा के जस्ट आगे बगल में ही ऋषभ रहते हैं, हा? और ऋषभ के पास में गंधार भी है, और इधर निषाद जो मध्य में मंत्र में है, मंत्र में निषाद है और धैवत भी है, ये ज्यादा पड़ोसी है। दो पड़ोसी इधर नीचे हैं, दो पड़ोसी उधर ऊपर हैं। अब आपको सा दिखाना है, सा का पता बताना है। सारे सा, यानी कि रे के पास में है, सा यानी एक और पड़ोसी है भाई, सानी धा।
पास में ही चिपके हुए एक और पड़ोसी हैं, ध ध सा, यहां पे सा रहते हैं, सा रे सा ग, अगर थोड़ा आगे निकल जाओ तो ग रे सा, अगर आप इस गली में चले गए हो तो गा से रे पे होकर के पहुंच जाओगे सा पे। यानी कि सा महोदय, षडज महोदय जहां रहते हैं उनके लेफ्ट में नी और निषाद और धैवत भी रहते हैं और उनके राइट में ऋषभ और गंधार रहते हैं, ये हमने अभी गा के दिखाया। गा मारे सा, थोड़ा तिरछे होके आ जाओ, गा से अगर रे पे भी आना है ना, पड़ोस में आना है तो माँ पे होकर के भी आ सकते हो, ये भी रिवाज है, वहां से भी रास्ता है, ये भी राग का चलन है, कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हो सभी लोग? धनराज, yes. हाँ, धनराज को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं? बहुत सरल ढंग से बताने का प्रयास कर रहा हूं आलापचारी को, और आलाप को बढ़ाने का, राग को खोलने का तरीका, हमने एक राहगीर को रास्ता बताते हुए चलना है, यानी कि आपको दिखाना है कि मेरा ये सा है। सा नी ध नी सा रे सा गा रे सा गा मा रे सा 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 रे गा मा गा गा मा गा रे सा सा मा रे सा सा नी ध ध सा रे सा गा रे गा मा रे सा मा गा मा पा। आगे बढ़ रहे हैं, राग का नियम है, अब हम गा और मा को दिखाएंगे। गा मा पा गा मा गा मा गा रे सा, राग के चलन को पहले षडज को दिखाया, अब गंधार को दिखाना जरूरी है क्योंकि गंधार संवादी है, मुख्य अंग है। सा गा रे गा मा गा, गा के पड़ोसी कौन कौन है? गा पा मा गा मा रे सा, यहां पे थोड़ी देर घूमेंगे, बताएंगे कि ये गंधार है। अब आपको माँ की संगति भी बड़ी मधुर होती है इसमें, तो वो भी इसमें शामिल हो गई। गा मा पा गा मा रे गा मा पा मा गा मा गा पा गा मा पा गा मा रे सा, सा तो केंद्र है, सा पे तो आना ही, घूम फिर के सा नी ध नी सा रे सा गा मा पा गा पा, ये भी चलन है। गा पा धा पा गा पा धा 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 पा, धा वादी है, दिखाना जरूरी है बार बार, धा की संगति ज्यादा दिखाएंगे। गा पा धा नी धा पा गा पा धा पा धा पा मा गा मा रे सा साधा सारे सा गामा रे सा गामा रे सा गामा पा धा पा गा पा धा नी सा रे सा, आगे बढ़ते जा रहे धीरे धीरे। गा पा धा नी धा पा गा पा धा नी सा रे सा सा धा पा गा मा रे सा गा मा पा गा मा रे सा सा रे धा नी सा रे सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा पा मा गा मा पा गा मा रे सा। अब ये सब लिखा नहीं है किताब में, ये मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे बोलूं, सा पा गा मा पा, मेरा मन किया तो मैंने ऐसे गा दिया, मेरे ऊपर जा रहा है। सा रे गा मा पा धा पा
सानी धा पा मा गा रे सा, ऐसा भी कर सकते हैं। सारे गा मा पा धा नी सा रे सा गा रे सानी धा पा मा पा धा पा मा पा गा मा रे सा सा पा सा धा सा नी धा पा गा मा पा धा पा मा गा मा रे सा। सब राग के ही स्वर लड़ियां हैं। इसी तरह से इसकी खुदाई करते 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 पूरा खोद के रख देना। इसी को कहते हैं अपनी मर्जी से अलापचारी करना। आप अलाप करते रहिए, इसी में खोदते रहिए। इसको खोदते 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 कुछ न कुछ विचार नए पैदा होने लग जाते हैं।